Hi guys, welcome back to the brand new video on this channel. This is Rahul Sharma and you're watching Gaming Awesome YouTube channel. And guys, आज बात करेंगे PUBG and ban को लेके, PUBG के trailer को लेके. So guys, बहुत सारे बंदे ना मतलब अभी भी still wait कर रहे हैं कि PUBG का trailer कब तक आएगा. And जितने अपने बड़े-बड़े influencer live stream कर रहे हैं, जैसे क्रॉन्टन भाई, so उनके chat में spam चल रहा है कि भाई trailer कब जैसे आने वाला है. Teaser हो तीन दिन पहले आ गया था. And अभी तक ना मतलब अभी बंदों का scene क्या रहता है कि बंदे सुबह 11 बजे से मतलब start हो जाते हैं कि भाई आज 12 बजे आने वाला है. And के बाद बंदे उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर देते हैं भाई कि भाई अब आने वाला है 5 मिनट्स लेफ्ट 2 मिनट्स लेफ्ट एंड 1 मिनट लेफ्ट. एंड उसके बाद जब 12 बजते हैं तो भाई वो सैड हो जाते हैं, बट स्टिल उनके मन में होप होता है कि भाई 1 बजे ट्रेलर आ सकते हैं अपना. एंड मुझे ना मतलब मैं भी एक दो दिन वेट करा ऐसे ही, बट मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया है कि भाई कब आने वाला है, जब आएगा तो आएगा. बट आज गाइस मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है. एंड एक और चीज़ मैंने देखी ना भाई कि जैसे क्रॉन्टन भाई की लाइव स्ट्रीम में देख रहा हूँ थोड़ी देर पहले, सो बंदे पूछ रहे थे कि भाई कब आएगा कि आज 1 बजे आ सकता है भाई 5 मिनट्स लेफ्ट 2 मिनट्स लेफ्ट. सो क्रॉन्टन भाई का डायरेक्ट ये कहना था कि भाई कल भी हमारा कटा था और आज भी हमारा कटने वाला है. सो इस चीज से तुम समझ सकते हो भाई कि अभी ट्रेलर नहीं आने वाला है, मे बी कल आ जाए, परसों आए, जो भी होने वाला है. बट आज ना इसमें किसी और चीज पे बात करने वाला हूँ कि इवन ट्रेलर अपने पास आ भी जाता है, गेम इवन प्ले स्टोर पे आ भी जाती है उसके थोड़े दिनों बाद, सो गेम अपनों को उसी टाइम खेलने को मिलेगी या फिर वो अर्ली एक्सेस जो भी रहता है, प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह वो रहती है, वो होने वाला है. उससे पहले ना गाइस अपने को बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है. मैंने मेम्फिस का एक पोस्ट देखा जिसमें एक स्क्रीनशॉट था पबजी मोबाइल का, ऐसा लग रहा था स्क्रीनशॉट, उसमें डेटा ट्रांसफर वाली बातें करी जा रही थी, कंपनी का नेम मेंशन था एंड ये भी लिखा था जून 2021 तक, मतलब ये हो पाएगा उसके बाद नहीं हो पाएगा. इवन मुझे कुछ पता नहीं गाइस इसके बारे में एंड मेम्फिस मैंने बात भी नहीं करी. एंड उन्होंने भी इवन यही लिखा था कि भाई ये लीजिट है, इस रियल है या फेक है कुछ पता नहीं अपने को, बट जो मिला वो बता रहा हूँ. सो बहुत सारी ऐसी लीक्स ना अभी आने वाली और भी मुझे पता है. एंड अभी गाइस मैं बात करते एक क्वेश्चन के बारे में जो आपके मन में बहुत बड़े क्वेश्चन है कि भाई अभी जो फाइल साइज है वो बोला जा रहा है कि 600 MB अराउंड होने वाला है. सो जब ना गाइस अपना गेम बैन हुआ था उसके बाद मुझे पता है कि जब PUBG Mobile के ऑफिशियल वेबसाइट से APK डाउनलोड करते थे, सो वो भी 500 MB का होता था या 500+ MB का होता था. उसके बाद जब हम उसको इंस्टॉल करते थे ना, सो उसके बाद 14 रिसोर्सेज डाउनलोड होते थे. जिसको पता है वो कमेंट करके मुझे बताना कि भाई ऐसा पहले होता था, आपने करके देखा कि नहीं करके देखा है. एंड मुझे तो इवन यही लग रहा है कि यही वाला सेम जो सीन चल रहा है वही चलने वाला है कि भाई जब भी हम डाउनलोड करेंगे ना गेम को, मतलब APK डाउनलोड करेंगे अभी PUBG Mobile की वेबसाइट से, सो वो इतना बड़ा APK देंगे, उस पर रिसोर्सेज डाउनलोड करो फिर गेम खेलो. बट गाइस ये भी हो सकता है कि लाइक प्ले स्टोर से अपने को मतलब 600 MB का गेम मिले. सो 600 MB का अपने को गेम मिलता है उसमें लो एंड डिवाइसेस के लिए बहुत हेल्प होने वाला है. अगर 600 MB का अपने को गेम मिलता है एंड डायरेक्ट वो ओपन हो जाता है विदाउट डाउनलोडिंग एनी रिसोर्सेज, जो बड़े बड़े रिसोर्सेज रहते हैं या फिर एक दो रिसोर्स डाउनलोड करके मतलब गेम चल जाता है, उसमें अगर थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम हो, टेक्सचर कम हो, सो उससे ऐसा हो सकता है कि गाइस जो लो एंड के डिवाइसेस होते हैं अपने लो एंड वाले 2 GB RAM 3 GB RAM एंड स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर जो भी रहता है, मतलब प्रोसेसर की बात नहीं करूंगा ज्यादा इस टाइम, सो जितने भी अपने मिड रेंज के प्रोसेसर्स होते हैं ना या फिर लो एंड डिवाइसेस होते हैं अपने, सो उनके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है कि थोड़ा मतलब रेजोल्यूशन कम करके, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह कम करके एंड गेम के टेक्सचर कम करके उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिले. सो ये भी हो सकता है या फिर पुराना हिसाब होगा कि भाई 14 जो रिसोर्सेज होते हैं पूरा डाउनलोड करो, गेम इतना बड़ा फिर से बन जाएगा एंड उसको खेलो. सो ये भी हो सकता है. आई डोंट नो कि अभी क्या होने वाला है, मे बी उन्होंने कुछ चेंज कर रहा है कि भाई 600 MB का गेम चलेगा एंड उसके बाद अगर आपको अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है सो आप डाउनलोड कर सकते हो, मतलब HD ग्राफिक्स और खेल सकते हो, बट सबसे पहले आपको मतलब नॉर्मल से ग्राफिक्स मिलेंगे. ऐसा हो सकता है अगर ये होता है सो लो एंड डिवाइस जिनके पास है गाइस, सो उनको थोड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सकता है. सो अभी बात करते हैं कि गाइस जब गेम अनबैन होगा अपना, सो बहुत सारे बंदे मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई अपना गेम अनबैन हो, कब जैसे हम खेलें. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई अभी तो आप पबजी KR ही खेलो क्योंकि मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें. अगर इवन गेम अनबैन हो जाता है सो गाइस आपको पता है कि नए गेम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सही करना पड़ता है, उसके लिए पहले अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग ये सब चलता है. एंड आई डोंट नो कि इस गेम का हुआ है अभी चेक कर रहा है. इवन मैंने सुना है कुछ लोगों को यहाँ पे अर्ली एक्सेस जो मिलता है वो मिल चुका है एंड वो खेल रहे हैं, इवन मे बी उन्होंने टेस्ट करके बता दिया होगा. बट ये भी हो सकता है कि जब गेम मतलब प्ले स्टोर पर लिस्ट हो उसके बाद उसमें वो वाला ऑप्शन आ जाए कि भाई प्री रजिस्टर्ड आपको करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा, उसको आप खेल सकते हो, तो ऐसा भी हो सकता है. मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि ये होगा, बट मे बी हो सकता है गाइस कि आपको वैसे एक्सेस मिले पहले कुछ स्पेशल बंदों को, उसके बाद तुम गेम टेस्ट करो, उसके बाद वो गेम को पूरा डेवलप करके मतलब ऑफिशियली लॉन्च करें कि भाई सभी बंदों के लिए अभी ऑफिशियल गेम आ चुका है. सो ये चीजें भी हो सकती है. सो इतना यार आपको एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि भाई डेली तुम 11 बजे बैठ जाते हो और उसके बाद 12 बजे का इंतजार करो, फिर 1 बजे करो, फिर 2 बजे करो और फिर थोड़ा
सा मुंह बना के इधर उधर चले जाओ कि भाई पबजी अनबैन नहीं हुआ एंड उसके बाद खेल लो भाई देख यार सो ऐसा नहीं करना है। सो जब भी गेम अनबैन होता है यार हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। एंड इवन अभी बोला जा रहा है जितने मैं देख पा रहा हूँ क्रॉन्टन भाई की स्ट्रीम से भी देखा है कि भाई अभी अराउंड 20 तक आपको सब कुछ पता लग जाएगा। सो डेली मत चेक करा करो यार, कोई दिक्कत नहीं गाइज। एंड यही वीडियो था यार आज का, मतलब यही बताना था आपको मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो गया, अपना मजा आया थोड़ा भी, तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन कर लेना ऑन एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है किसने बोला APK डाउनलोड करके रखा था PUBG के ऑफिशियल वेबसाइट से। ओके, पीस आउट, बाय बाय, टेक केयर।